यहां आपको अपडेट करेंगे। स्पीकर ने पीटीआई के गिरफ्तार अरकान कौमी असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे इरफान सदोसई से। इरफान मजीद बताइएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, स्पीकर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान कौमी असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स आइंदा इजलास के लिए जारी किए गए हैं। आपको बताएं कि पीटीआई के अरकान कौमी असेंबली की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि स्पीकर कौमी असेंबली के इजलास के लिए गिरफ्तार अरकान कौमी असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें, और अब स्पीकर ने पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर करते हुए गिरफ्तार अरकान कौमी असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। इरफान सदोसई हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मजीद अपडेट कीजिएगा। जी, हमारे ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट है उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। गुज़िश्ता रोज जब मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा स्पीकर अयाज सादिक से मिले थे और उसके बाद अयाज सादिक ने आई जी इस्लामाबाद को भी वाकये की तहकीकात का हुक्म दिया था और साथ ही जुबानी अहकाम दिए थे कि जो गिरफ्तार अरकान है इनको फिलफौर रिहा किया जाए, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। और आज सुबह दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वक्त स्पीकर से मिला और उन्होंने दोबारा इत्तला की कि प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो रिटर्न फॉर्म में जारी किए जाएं, और उसके बाद कौमी असेंबली के इजलास में भी इसके ऊपर बातचीत हुई। अभी कुछ ही देर पहले हमारे ज़राए ने ये तस्दीक की है कि स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने जो अरकान एक पार्लियामेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गिरफ्तार है उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया इरफान सदोसई अपडेट करने के लिए।